के साथ। कैंट पुलिस ने बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर मार्टन शाही की हत्या का खुलासा कर दिया। इस दौरान थाना कार्यालय कक्ष में अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद दुबे ने हत्या में शामिल महिला सहित आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। वहीं पकड़े गए आरोपियों में निगमेंद्र सिसोदिया कंचन सिंह चौहान के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये हत्या संपत्ति हड़पने की नियत से की गई थी। इस मामले के खुलासे में प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश राय, थाना कैंट वाराणसी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, चौकी प्रभारी कचहरी निरीक्षक अंजनी कुमार पांडे, सर्विलांस सेल वाराणसी निरीक्षक अश्वनी कुमार पांडे, प्रभारी इंटेलिजेंस विंग टुन्नू सिंह, चौकी प्रभारी नदेसर मनीष सिंह, मनीष बघेल आदि शामिल रहे। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने इस प्रकरण की मृतक श्री मार्तंड शाही के बेटे श्री अमित शाही से संपर्क करके गहनता से जांच की और फिर उनकी तहरीर के आधार पर 16 अगस्त की शाम को FIR 8 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध किया, जिसमें मुख्य अभियुक्त राजेश चौहान और उसकी पत्नी कंचन चौहान ने अपने निकटतम सहयोगी निगमेंद्र सिसोदिया के साथ मिलकर और 5 अन्य कलिक से साथ मिलकर बहुत ही शातिर तरीके से मृतक श्री मार्तंड शाही की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से छल, प्रलोभन, प्रपंच या ब्लैकमेलिंग करके इनसे एक वसीयत के रूप में दानपत्र जनवरी में लिखवा लिया था। बाद में इन आरोपियों को ये पता चला, कहीं से इन्होंने जानकारी की कि अंतिम वसीयत या दानपत्र मान्य होता है। इनके मन में ये भय था कि कहीं मृतक श्री मार्तंड शाही दोबारा अपने पुत्र को या अपनी नातिन को, जो बिटिया की बेटी है, उसके नाम ये दानपत्र लिख ना दें। इसलिए इन्होंने प्लान्ड वे में इनको कहा कि चलिए आपके दामाद के पास कानपुर छोड़ देते हैं, आप वहाँ रहिए। ये उनकी बातों में आ गए। उसी कड़ी में इन लोगों ने प्लान करके एक बस का टिकट खरीदा। बस की टिकट के साथ एक सुसाइड नोट खुद उन्हीं लोगों ने अपनी राइटिंग में लिखा और उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठा करके उनको कानपुर की ओर लेकर के गए, जिनमें इन्होंने इन 8 नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त 2 और अभियुक्त भी अपने साथ बिठाए। सच के साथ।